इंशाल्लाह इंडिया जा रहा हूँ मैं भाई। इंडिया जा रहे हैं लेकिन उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं। और मिल गया है मुझे गरीब लोगों। आपको कैसे वीजा मिल गया है? तल्लक है, मेरे रिलेटिव्स उधर है ना, तो उनके अच्छा, तो क्या लगता है कल क्या मैच का सीन होने वाला है? बाबर आजम चलेगा कल, क्या नाम हारिस रोकी बॉलिंग चलेगी? वो 97 खाया लास्ट मैच में सर, उधर जाके सपोर्ट करनी हमने, कोई नहीं चलेगा इंशाल्लाह, हमने मारने नहीं देना। नेदरलैंड का जो भी आएगा फैटी है, क्योंकि नेदरलैंड की टीम वेस्ट इंडीज को हरा के क्वालिफाई करके आई है, उनको इजी नहीं लेना। पाकिस्तान के जहां अगर स्टार्ट के अंदर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 4-5 आउट हो गए तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल 250 करना है, तो नेदरलैंड ने 30-35 रन में कर लेना है। अगर पाकिस्तान ने नेदरलैंड से इजीली जीतना है, पाकिस्तान हमेशा से ही रन रेट की वजह से आगे जाता है, अगर बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। नाजरन आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हमादुल हसन, तो नाजरन जितना आपको पता है कल पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच होने जा रहा है। जो नेदरलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो है इस टाइम आई है पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो कल जो है पाकिस्तान का जो है नेदरलैंड के साथ मैच है। तो आज पाकिस्तानी लोगों से पूछते हैं, वो उनसे जानते हैं कि क्या कल वाला मैच पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तो जानते हैं लोगों से उनका क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब, आपको जिस तरह पता है कि कल जो है नेदरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है, क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी हार जाएगी? जी देखिए, नेदरलैंड जो टीम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम है, तो कहा भी जाता है, तो अगर उसके साथ मैच होता है पाकिस्तान के, बल्कि अगर तो नहीं है, होना ही होना है, तो पाकिस्तान विन कर जाएगा, जीत जाएगा। कैसे कह सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कल का मैच कौन जीतेगा, नेदरलैंड या पाकिस्तान? जी पाकिस्तान जीतेगा। वो कैसे कह सकते हैं भाई, पाकिस्तान की कितनी परफॉर्मेंस है? नीदरलैंड जो टीम है सब टीमों से बहुत छोटी और हल्की टीम है, ज़्यादातर उनकी जो परफॉर्म है देखी जाती है वो बिल्कुल कम देखी जाती है। तो क्या लगता है कि आगे फर्दर मैच आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान नेदरलैंड का इंडिया के साथ मैच होता है तो क्या लगता है, जी जाएगी इंडिया? किसका? नेदरलैंड का अगर मैच होता है इसके साथ, इंडिया के साथ, कंपेरिजन ही नहीं बनता ना। इंडिया एक पावरफुल टीम है और नेदरलैंड कहाँ पर है, ऑब्वियसली इंडिया जीत जाएगी, रामस्कुन से जीत जाएगी। वो बड़ी बड़ी टीमों को मार दे देती, वो छोटी सी टीम क्या है उसके आगे। मतलब कल का मैच जो है पाकिस्तान अच्छे स्कोर से जीतने वाला है? जी बहुत अच्छे स्कोर से जीतने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कल आपको पता है नेदरलैंड पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? यार देखें, पाकिस्तानी टीम है, एक दो रिकी पोंडिंग माया नाजी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो छोटी से छोटी टीम से जीत भी सकती है, हार भी सकती है, लाइक किसी बड़ी टीम को हरा भी सकती है। तो उम्मीद हम अभी भी प्रेशर आई था कि शायद कल के मैच के अंदर क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, क्योंकि नेदरलैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ को हरा के क्वालिफाई करके आई है, उनको इजी नहीं लेना। पाकिस्तान के जहां अगर स्टार्ट के अंदर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 4-5 आउट हो गए तो पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल 250 करना है, तो नेदरलैंड ने 30-35 रन में कर लेना है। अगर पाकिस्तान ने नेदरलैंड से इजीली जीतना है, पाकिस्तान हमेशा से ही रन रेट की वजह से आगे जाता है, अगर बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। लाइक देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ बाबर आजम है, चचा इफ्तिखार है और एक दो बैट्समैन है, इनके अलावा हम किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। कल अगर चलेंगे, ये चलेंगे तो कुछ होगा, और हमारी बॉलिंग वैसे ही एक्सपोज हो चुकी है जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जैसे धोया था, तो कुछ भी हो सकता है यार कल के मैच के अंदर। हम ये नहीं कह सकते यार पाकिस्तान 90% जीतेगा, 50-50 चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान कल का जीत जाएगा तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, जीत जाएंगे कल का मैच। क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल डेड है, क्या करते हैं उनको कल, वो अच्छा अगर बैटिंग आती तो अच्छा स्कोर मारेंगे या बॉलिंग आती तो विकेट ले जाएंगे? यार मुझे लग रहा है पाकिस्तान अगर कल टॉस जीतता है तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी बॉलिंग पर डिपेंडेंट रहा है कि हम अपनी अच्छी बॉलिंग करेंगे, जल्दी आउट कर देंगे तो बाद में इजी चेज हो गए, 50 ओवर में बहुत ज़्यादा ओवर सिंगल डबल ही स्कोर चेज हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान ने कल टॉस जीती तो मेरा ये मानना है कि पहले बैटिंग बॉलिंग करें, बॉलिंग करके नेदरलैंड को जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। जैसे आप देखा होगा इंडिया हमेशा से ही अपनी बैटिंग पर रहा है, वो इसलिए पहले बैटिंग करके बाहर टारगेट देता है, और पाकिस्तान कोशिश करे कि पहले टॉस जीत के ना बॉलिंग का फैसला करे। क्या लगता है कल हारे सब चलेगा, लास्ट मैच में से 97 खाया, क्या लगता है चलेगा कोई बॉलर पाकिस्तान? यार आज तो मार्कवुड को भी स्कोर पड़ा है, क्योंकि इंडिया की पिचेस थी, यहाँ पे फास्ट बॉलर पे पड़ता है, हारे सब छोटी टीम के खिलाफ चल जाएगा, लाइक उसकी पेस जितनी है शायद नेदरलैंड ने किसी बैट्समैन ने ना खेल ली हो, पर कल का मैच हमारे लिए डिसाइडर होगा कि क्या हमारी टीम का प्रेशर टूटेगा नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस मैच भी हारे हैं, ठीक है, और कल का मैच भी अगर हार गए तो हमारी जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान से चली जाएंगी। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे ग्रेट पाकिस्तानी टीम को कि भाई कल क्या परफॉर्मेंस करके दिखानी है आप? यार मेरी तो पाकिस्तानी टीम से अच्छी ही उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा कल का मैच खेले नेदरलैंड के खिलाफ। देखे ना, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियन ग्राउंड के ऊपर तो इंडिया को थोड़ा बहुत तो प्रेशर होगा ना कि पाकिस्तान एक मैच जीता हुआ है। अगर पाकिस्तान कल का भी मैच हार गया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रहेगी, मैं तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को सपोर्ट करूंगा, इसके अलावा मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा पाकिस्तान कल हार गया तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या लगता है कल पाकिस्तान नेदरलैंड का मैच होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंडिया जा रहा हूँ मैं भाई। इंडिया जा रहे हैं लेकिन उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं।
और मिल गया मुझे गरीब लोगों को। आपको कैसे वीजा मिल गया है? तल्लक है मेरे रिलेटिव्स उधर है ना, तो उनके अच्छा, तो क्या लगता है कल क्या मैच का सीन होने वाला है? बाबर आजम चलेगा कल, क्या नाम हारिस रोकी बॉलिंग चलेगी, वो 97 खाया लास्ट मैच में। सर उधर जाके सपोर्ट करनी हमने, कोई नहीं चलेगा इंशाल्लाह, हमने मारने नहीं देना ना इधर लड़के, अब जो भी आएगा फाट लीजिए। मतलब कल पाकिस्तान जीते वाला मैच यार इंशाल्लाह। आप ऐसे कह सकते हैं गंदी गंदी रैंकिंग जा रही है उसकी बॉलिंग में बैटिंग में। हाँ ऑस्ट्रेलिया की भी जा रही थी बीस्ट है वो उसकी, तो आप किसी को भी ना एनालिस्ट नहीं कर सकते कि यार एमिंग है। और ये नेदरलैंड बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, आप पाकिस्तान को भी वाकफ नहीं हो। आपको पता है अभी पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल के, तो जो जिसके सेमीफाइनल के चांसेस हैं वो फाइनल में पहुँचने को कितनी को देर लगेगी। तो आपके ख्याल में कल जो पाकिस्तान अगर टॉस जीता बैटिंग करेंगे बॉलिंग करनी चाहिए? बैटिंग 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 350 स्कोर मारे, 200 पे बुक करें अपना अच्छा रन रेट बनाए। अगर बैटिंग करता है तो उनके आपको लगता है बैटिंग कल चल जाएगी? बाबर नहीं चल रहा, ओ यार ले बाबर ने पीछे थोड़ा मारा है, चाचू ने थोड़ा मारा, हमारी ओपनर भी चलेगी इंशाल्लाह, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? पाकिस्तान बहुत बॉलिंग कर चलेगी इंशाल्लाह, हर मैच में चलेगी, क्यों यार मैं कमी पेशी हो जाती है बंदा मार खा लेता है, क्यों बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू सो मच।